सो फाइनली यही चूल्हा है ये वाला, और इसको सर्विस करना है। ग्रिल वगैरह हटा दिया, और ये चिमनी है, चिमनी फेवर कंपनी की है, देख रहे चिमनी बहुत हैवी है इसका। और सर्विस वगैरह करते हैं इसको, और पप्पू को लगा दिया हूँ चिमनी में कि चिमनी करो तुम, और मैं लग गया हूँ चूल्हा में। दो लड़के रहने से यही फ़ायदा होते हैं कि दो काम फटाफट हो जाएगा, और मैं भी फ़िलहाल चूल्हा करता हूँ इसका। आप लोग देख सकते हैं कि चूल्हा का क्या हाल हो रखा है। देखिए सर्विस अगर नहीं कराएंगे ना तो प्रॉब्लम यही आते हैं, और ये क्या होता है फिर गैस वाल में नोजल वगैरह में पता नहीं कहाँ कहाँ ये चले जाते हैं, और फिर वहीं से प्रॉब्लम होना स्टार्ट कर जाता है। फिर होता क्या है कि ख़राब हो जाएगा कोई पार्ट तो लगते हैं पैसे ज़्यादा, समझ रहे। फिर क्या होता कि अरे भैया ये कंपनी सही नहीं है, ये कंपनी ऐसा है तो वैसा है। जो गाड़ी लो या कुछ भी लो तो टाइम से सर्विस तो ज़रूरी ही होते हैं, टाइम से सर्विस कराते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा जल्दी। तो इसलिए कंपनी कहती है कि साल में एक दो बार सर्विस तो कराओ ही कराओ आप। अब देखो अब इसके क्या होगा, चूल्हा का अंदर में प्रॉब्लम तो होगा ही ना, अंदर में क्या होगा, ज़्यादा गिरेगा, जंग वगैरह लगेगा, जो पेंट होता है उसका वो सब छोड़ेगा। तो बहुत इसीलिए बोलता हूँ कि टाइमली सर्विस करवा लिया करो आप लोग, तो दिक्कत नहीं आएगा। अब देखना अंदर में क्या हाल हो रखा है। सो ये देखिए, देख रहे हैं अब ये बहुत दिन से जमे हुए हैं यहाँ पे, और जमने रहने के कारण से ये जंग वगैरह पेंट वगैरह छोड़ देता है इसमें। उसके बाद बोलेगा कि ये कंपनी घटिया क्वालिटी का है, ये घटिया बनाते हैं ये। कुछ कस्टमर को भी गलती रहते हैं, सर्विस तो मेंटेनेंस तो ज़रूरी होते हैं ना किसी भी चीज़ में। चलो फटाफट सर्विस स्टार्ट करता हूँ। और किचन से थोड़ा सा हट के इनका सिंक था, तो इन्होंने यहाँ पे दिया, तो सारा सामान वगैरह यहाँ रख दिया, और केमिकल में ग्रिल वगैरह भी सारा डीप कर दिया, क्योंकि ग्रिल बहुत ज़्यादा गंदा था तो उसको भी मैंने डीप कर दिया है। और पप्पू भी चिमनी भी कर लिया है, मुझे लगता है कि इसका ओके ही हो चुका है। अब चूल्हा भी मैंने साफ़ वगैरह करके प्लेट उलेट बैठाना अब स्टार्ट कर दिया हूँ मैं, क्योंकि ये इलास्टिक वॉल था और मुझे कहीं जाना नहीं था, तो आराम से काम कर रहा था बिल्कुल तसल्लीपूर्वक। करने के बाद फिर डायरेक्ट निकलूँगा अब घर की तरफ, क्योंकि और कोई काम है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर और लाइक भी कर देना, थोड़ा हमारा भी अच्छा लगेगा। मेहनत करूँगा वीडियो बनाने में। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरह। बाय, गुड नाइट।